हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ पूजा और आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ मैं आज का वीडियो। तो मैंने बनाया लेडी बग, वो आप भी बना सकते हो। स्टेप बाय स्टेप मैं ये बनाऊँगी, तो आप अपने घर में भी बना सकते हो। तो आप प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो मैंने क्या क्या इसमें यूज में लिया है, तो ये सब चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। और अगर आपको ऑनलाइन भी अगर ये मंगवाना है तो मैं उसका लिंक भी मैं दे दूँगी, जो ये फेविकिल मैंने यूज में ली है। तो इसका प्राइस जो है वो है 20 रुपीज़, और इसका जो वेट है वो है 50 ग्राम्स। तो ये हमें ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑनलाइन पे ये हमें अभी काफ़ी डिस्काउंट पे चल रहा है, तो आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हो। और जो इसका पूरा नाम जो है वो है फेविक्रिल आर्ट क्ले। तो ये हम ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे अभी भी जो है डिस्काउंट पे चल रहा है, तो आप अभी भी मंगवा सकते हो। पर बस ये है कि सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। अगर हम बाहर से कोई भी जो ऑनलाइन अगर चीज़ें मंगवा रहे हैं, सामान मंगवा रहे हैं, तो आप इसका यूज आप कम से कम 24 घंटे बाद ही यूज लें, और बच्चों को हाथ ना पहुँचे ऐसी जगह पे आप उसको रख दें, क्योंकि बाहर से भी जो वायरस चल रहा है तो उसकी वजह से हमें सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो बाहर से आप जो भी सामान लेके आए, प्लीज़ आप 24 घंटे का तो वक्त उसको टाइम दें कम से। तो अपने हाथों को अच्छे से वॉश करें, और कम से कम 10 सेकेंड तो अपने हैंड वॉश अच्छे से करें, ताकि जो भी हम बाहर से अगर किसी भी सामान को आप हाथ लगा रहे हैं, तो जो उनके जो वायरस वगैरह कुछ भी अगर ऐसा कुछ हो, तो वो तो हैंड वॉश करने से जो बीमारी का जो खतरा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो हम बना रहे लेडी बग, तो आप स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाए। और जो ये क्ले हैं मैंने ऑनलाइन भी ये भी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर दे दिया है, तो ये कम से कम 5-6 दिन में आ जाएगी, तो वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। और अगर आपको आज का मेरा जो ये वीडियो है अगर अच्छा लगे, तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो मेरा कैसा लगा। और इस तरह से हम इसके 3 पैर बना लेंगे, और ध्यान रखें कि हमें एक साइज के पैर बनाने हैं, डिफरेंट नहीं बनाने हैं। तो इसका आप थोड़ा सा नाप ले लेके अपन तीनों एक जैसे बनाने पड़ेंगे। अब इस तरह से हम इसको चिपका देंगे, आप इसे धागे की सहायता से भी चिपका सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जिसे मैं चिपका रही हूँ वैसे आप चिपकाओ। तो इसे हम धागे से भी इस तरह से लपेट सकते हैं।
तो ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरह से मतलब हमको इस तरह से बना लेना है। और ये जो निकले लिया है तो इस तरह किया कि मैंने इसको पहले भी यूज में लिया है, इसलिए थोड़े तो आधी आधी है, और आधा मैंने पहले यूज में ले लिया था किसी और चीज़ के लिए। तो इस तरह से ये दोनों को हमें आपस में मिक्स करना है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ध्यान रहे कि ये जो है पूरी तरह से मिक्स हो जाए आपस में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो ये हम रख नहीं सकते कि बाद में काम में आ जाएगा, तो ये बाद के लिए हम नहीं रख सकते क्योंकि ये बिल्कुल पत्थर की तरह टाइट हो जाता है। तो इसको जितना हमें यूज लेना है उतना ही दोनों को मिक्स करें, उससे ज़्यादा ना करें क्योंकि बाद में ये किसी काम का नहीं रहेगा। और मैंने लिया है ऑयल। ऑयल से क्या है, जो हम इसको बेलेंगे ना नीचे तो ये चिपकेगा नहीं, इसलिए मैंने पहले ज़मीन पर ऑयल लगा लिया है। और उसके बाद मेरे पास तो इस फोक की बोतल से मैंने इसे बेल लिया है। आप किसी भी बोतल से इस तरह से बेल सकते हो। तो ये इस तरह से हो जाएगा, काफ़ी पतला रहता है ये। और इस तरह से हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे। आप पहले इस पर फेविकॉल ज़रूर चिपकाए। ये फेविकॉल जो मेरा ये पुराना हो चुका है इसलिए भी ये निकल नहीं रहा था, तो ये इसको मैंने अलग कटोरे में निकाल के और उसके बाद मैं इसको यूज में ले रही हूँ। और ये फेविकॉल से ही ज़्यादा अच्छी तरह से चिपक जाता है। और इस तरह से मैं इसके पैरों को भी इस क्ले की सहायता से इसको कवर कर दूंगी। ये इजीली अपने आप ही चिपक जाता है। और इस तरह से मैं नीचे भी इसको इस क्ले से कवर कर दूंगी। तो जो हमने दूसरी लोई जो मैंने रखी थी तो वो भी मैं इस तरह से बेल रही हूँ। और मैंने पहले उसकी जो पहले जो मैंने चिपकाया था ना ऑयल नीचे लगाया था, उसी तरह से मैंने फिर से ऑयल लगाया था और फिर से उसको इस तरह से बेला था। और मैं यहाँ लगा रही हूँ फेविकॉल ताकि क्ले अच्छे से चिपक सके। याद रखें फेविकॉल जरूर से आप यूज में आपको लेना जरूरी है क्योंकि फेविकॉल से ही ज़्यादा ये इजीली चिपक जाता है। तो इसको हमें सुखाना है और ये सूख चुका है। और मैंने जो है माचिस की तीलियाँ मेरी इच्छा हुई थी इसको कुछ डिफरेंट लुक दूँ, तो मैंने इसको माचिस की जो तीलियाँ है तोड़ के वो लगा दी है और बीच में एक लाइन भी कर दी है। और इसको सूखने में तकरीबन मुझे लगे आधा घंटा जरूर लगता है इसको सूखने में, तो इसको आधे घंटे का वेट जरूर दे। और इस पे मैंने किया है रेड कलर। तो हमें ओनली इसमें तीन कलर की ज़रूरत है, पहला है रेड, दूसरा ब्लैक और तीसरा वाइट। तो इन तीन कलर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। हमें पूरे को रेड नहीं करना है, खाली इसके ऊपर ही हमें इसको रेड करना है। अगर आप चाहो तो माचिस की तीलियाँ इस तरह से आप भी लगा सकते हो। मैंने ये बाद में लगाई थी, मेरे माइंड में ही तो चलो मैं लगा लेती हूँ, मैंने इसलिए लगाई क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए था। इसलिए आप नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। तो आपको ओनली ये जो रेड कलर है ये सिर्फ ऊपर ही करना है। और मैंने लिया है ब्लैक कलर, तो जो इसके आगे का मुंह है वहाँ इसका कलर जो ब्लैक कलर कर देंगे। और जो माचिस की जो ये मैंने तीलियाँ लगाई है तो इसके ऊपर भी हमें ब्लैक कलर करना है ताकि ये
इससे डिफरेंट ना दिखे। और हमें इसको पूरे को ही ब्लैक कलर से कवर करना पड़ेगा, तो ये लुक बहुत प्यारा देगा। देखना अभी, अब पूरा बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा ही सुंदर दिखने वाला है। मेरे पास क्ले नहीं था, इसलिए मैंने ओनली ये एक ही पीस बनाया है, और कम से कम 5-6 बनाने वाली हूँ। ये भी मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से भी मंगवाया है क्ले। ये पूरी तरह से मैंने कवर कर दिया है ब्लैक कलर से, और ये सूख भी चुका है। और यहाँ बीच में हमें ब्लैक लाइन करनी पड़ेगी। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में। और अब मैंने लिए ये एक काढ़ी, तो इससे कलर जो है गोल शेप में अपने आप ही आ जाएगा। तो इससे हम इसकी जो ब्रश की सहायता से तो नहीं आता, तो इससे हम गोल गोल इसको डॉट डॉट लगा देंगे, जो लेडी बिट के ऊपर होते हैं ना, रेड सॉरी ब्लैक कलर के तो डॉट होते हैं, तो वो डॉट इस तरह से हम लगा देंगे। मैं ले रही हूँ व्हाइट कलर। मैंने व्हाइट से दो ऊपर इसकी जो ऊपर वाली जो हिस्सा है वहां पे मैंने व्हाइट कलर से इसको थोड़ा सा अलग लुक दिया है। और जो इसकी आईज बनाई है वो भी व्हाइट कलर से ही बना रही हूँ। और अब इसका जो फाइनल लुक है वो हो चुका है पूरी तरह से तैयार। तो आप देख सकते होंगे कितना प्यारा लग रहा है ये। तो बच्चों को भी आप खेलने के लिए दे सकते हो, बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे इसको ये देखो। तो ये हम जो पेड़ पौधे जो होते हैं ना, तो वहाँ हम इसको यूज में ले सकते हैं, कम से कम 5-6 बना के। और अब छोटा सा एक गार्डन जैसा बना के, या फिर जो हमारे गमले होते हैं घरों में, वहाँ हम इसको रख सकते हैं इस तरह से। तो हम कम से कम 5-6 तो बना के रखना ही चाहिए, तो 5-6 बना के इस तरह से हम यूज में ले लेंगे। देखो ऐसा लग रहा है जैसे रियल हो। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा। तो हमारा ये लेडी बैग तैयार है। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।